नशे कुमार जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज का विलाग इतना ही अहम होने वाला है ते अज असी एक नए मिशन ते जा रहे हैं और मिशन तुहानू पता लग जाएगा केड़ा है ते इंशाल्लाह अपना विलाग स्टार्ट करते हैं। आज का दिन हमने मुस्तकिल लोगों के लिए इमदाद का सिलसिला शुरू किया है। हमारे पास मौजूद है असगर भाई, इसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, इसके लिए हम इससे पूछते हैं आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, इसको हम मुफ्त में प्रोवाइड करेंगे और इसकी इमदाद करेंगे। असगर भाई आपको क्या चाहिए? घर की कोई सब्जी वगैरह कुछ मान वगैरह ले दें, चलो एक महीने का गुजारा चल जाएगा, फिर आगे अल्लाह मालिक है देखेंगे। चलो आपको क्या चाहिए यहाँ से, आप आए ना हमें बताएं क्या चीज़ यहाँ से चाहिए आपको। फसल वगैरह आपको क्या चाहिए? 5 किलो लेके दे दे। और आलू कितने चाहिए? आलू भी तकरीबन 4-5 किलो आलू लेके दे। 4-5 किलो आ जाएंगे। और सब्जी आज के लिए क्या चाहिए आपको? हम गोभी लेके दे दे, गोभी। चलो कितने किलो आपको गोभी? तकरीबन 1-1.5 किलो आपको पता है, फिर तो ज्यादा दिन रखे ना खराब हो जाती है। ठीक हो गया, यानी प्याज और आलू जो ज्यादा दिन चले जाएंगे। नदीम भाई आप इनको मेरे खाते में 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू और जितनी जो गोभी ले दे दे और पैसे मुझसे पेमेंट कर लेना। ठीक हो गया। मैं मोहम्मद शहजाद तो चले जाते हैं YouTube चैनल मिस्टर जाट। विक भाई क्या हाल है? ठीक हो गया था। कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं घर से। घर से जी। आप कहाँ जा रहे हैं? आप अड्डे में आए हैं। क्या चीज लेने? चीनी लेने के लिए। अभी तैयारी किया है। अच्छा। जी पैसे पैसे हैं कि नहीं? आप जदे आपको पैसे दें आपको जो है आपके पास? जी जी मैं दिखा सकता हूँ। यानी कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, आपकी मदद करते हैं। नहीं शुक्रिया। ठीक है मेहरबानी, हम यही पूछ रहे थे आपके पास पैसे हैं या नहीं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो हम दूसरे बंदे की तलाश में अगर कोई मिल जाता है तो उनसे पूछेंगे कि आपको किस चीज़ की जरूरत है, वो हम उसको बिल्कुल ही मुफ्त में प्रोवाइड कर देंगे। कैसे जाहिद भाई? अगर भाई कोई हमसे इमदाद लेना चाहे या इमदाद कोई भेजना चाहे हमें कमेंट में बताए और उसकी हम इमदाद भी करेंगे। अगर इमदाद भेजना चाहे तो हम उसकी इमदाद की स्थिति में मुस्तक अफराद तक पहुँचा देंगे। इमदाद की तो मुझे जरूरत है, मेरी जूतियाँ देखो यार, जूतियाँ भी नहीं है, देखो ये कबाड़ सी मैंने। चलो आओ आपको दुकान पर ले जाता हूँ, शॉप पर जो ले चलो। चलो आओ आपको जूती लेकर देंगे भाई। मैंने निरोजी लेनी है 5000 वाली। कोई बात नहीं, अगर निरोजी होगी तो आपको ले देंगे। आओ चलो शॉप पर चलते हैं। हमने इमदाद का मिशन शुरू किया हुआ है, आपको अगर इमदाद चाहिए तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। किसी किस्म की इमदाद चाहिए आपको हम हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप इमदाद देना चाहें वो भी हमें दे सकते हैं, क्योंकि हम मुस्तहक लोगों को पहचानते हैं। ठीक है, ओके। तो व्यूअर इस बंदे को भी इमदाद की ज़रूरत नहीं थी, ये खुद मुस्तहक था और वो खुद देने वाला था लोगों को। जाहिद भाई ने काफ़ी कोशिश की है लेकिन वो इमदाद नहीं लिया इसने। जाहिद भाई नहीं लिया ना? नहीं ली। दूसरे बंदे को ढूंढते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको जरूरत है तो हम फ्री में बिल्कुल जाहिद भाई ने पैकेज दिया हुआ है गरीब लोगों के लिए। आज के दिन के लिए फ्री पैकेज है। तो कराची जा रहे हैं बड़े बसेस पर, आप उनकी इमदाद कर देना। जी हाँ, बेरोजगारी हमारे पाकिस्तान में आम तौर कराची, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग रोजगारी के लिए कराची जाते हैं। भाई ये बस यहाँ पर खड़ी हुई है, अगर आप इनमें से किसी लोग को इमदाद देना चाहते हैं तो आ जाएं। ये सब मजदूर अपना इसमें जा रहा है और रोजी के लिए। जैद भाई वो बंदा आ रहा है, उसे पूछते हैं, रोकते हैं यार इसे। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ रहते हैं? रहते हैं यार। होटल पे एक लड़का काम कर रहा है यार, उससे पूछते हैं, वो भी छोटा है बेचारा, गरीब होगा, 200-300 की दिहाड़ी ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? क्या कर रहे हैं आप? शापर में, ये शापर में डालने का बहुत नुकसान है, इससे कैंसर हो जाता है आदमी को। आपको पता नहीं है, तुम्हें बर्तन में डाल के दिया करो किसी को, तो अगर आपको अगर बर्तन में लेकर आया करो। जाहिद भाई ने शुरू किया हुआ है ट्रस्ट, लोगों को फ्री में राशन लेकर दे रहे हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आपको दे सकते हैं, आपको लोड है
नहीं मेहरबानी, हमारे पास सब कुछ है। बैठ भाई, ये तो बोल रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है। सारा दिन यहाँ पर काम करते हैं, आपकी कितनी इनकम है, आपको कितनी तनख्वाह मिलती है माँ की? माँ की 15,000 सर। माशाल्लाह काम चल रही है, घर का गुजारा चल जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा सही चल जाता है। अगर आपका गुजारा नहीं चलता तो हम आपकी मदद कर सकते हैं? नहीं मेहरबानी, अगर जरूरत पड़ी तो हम बताएंगे। ठीक हो गया, ओके अल्लाह हाफिज, हमें दुआओं में याद रखना, वो दुआ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। लोगों के पास पैसा भी नहीं है लेकिन फिर भी वो पैसा नहीं दे रहे, कह रहे हो इधर से क्या मतलब है? लेकिन ये किसी के आगे हाथ फैलाने से ग्रेज करते हैं और दोस्तों खुद इत्मादी पर यकीन रखते हैं। दोस्तों वो गरीब आदमी है लेकिन फिर भी वो भीख नहीं मांग रहा, वो हम मदद करना जा रहे हैं लेकिन वो मदद की अपील नहीं कर रहा, वो कहता है हमारे पास सब कुछ बहुत है, अल्लाह का दिया हुआ, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लोग होते तो वो तो मांग लेते हैं, भिखारी जैसे होते हैं। नहीं बिल्कुल, ये हक पर है, ये मेहनत कर बच्चों का पेट पालने पर यकीन रखते हैं। ठीक है बिल्कुल, मैं और जाहिद 3-4 बंदों से पूछ चुके हैं कि आपको किसी को इमदाद की जरूरत नहीं है, सब ने रिजेक्ट किया, वो कहते हैं हमें जरूरत नहीं है। जाहिद भाई एक और बंदा आया हुआ है सब्जी लेने, उससे बात करके देखते हैं। चलो चले जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कोई जरूरत नहीं उनको कुछ। हाँ भाई से पूछ ले। क्या नाम है आपका? सकलैन। लगता है आप थोड़ा सा मसरूफ हैं और थोड़े गरीब लगते हैं मुझे। आपको क्या चाहिए यहाँ से? सब्जी लेने। कितने की सब्जी लेनी है आपने? 200 की। पैसे हैं आपके पास कि नहीं? वैसे नहीं, आपको 200 की सब्जी लेते हैं। क्या कह रहे हैं? ये पहला गरीब बंदा मिला है, इसके इंतजार तो करनी है हमने आज। बस क्या क्या सब्जी लेनी है आप? करेले। करेले कितने किलो लेने हैं आपने? नहीं भाई, आपने इसको 1 किलो करेला, 1.5 टमाटर, 1.5 मिर्च और अदरक शरीफ को देखना, 200 का पूरा था। ठीक है, और कुछ चाहिए आपको मेरे खाते? ठीक है, आप राजी हैं? आप ओके अल्लाह। हमारे 14 बंदा है जिसकी हमने हेल्प की, नहीं की कोशिश की लेकिन इस बंदे की हेल्प हमने कर दी है क्योंकि इसको जरूरत थी पैसों की, और बाकी जो बंदे थे उन सब ने इनकार कर दिया था। ये पहला बंदा है जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। आपको किसी चीज़ की जरूरत हो आप जाहिद भाई से बगैर पूछे आकर ले सकते हैं। ठीक है, आपको एड्रेस का पता नहीं है तो आपको ये विजिटिंग कार्ड दे देते हैं, उसे इस पते पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी लोग इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह हम अपना मिशन लेकर ऐसे ही जारी रहेंगे और लोगों की इमदाद करते रहेंगे। अगर किसी भाई ने इमदाद लेनी हो, अगर किसी ने किसी की इमदाद करनी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और उनसे हम खुद रब्ता कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।